तो कुछ कंट्रोवर्सी हो गई थी, आपने भी सुना होगा क्या क्या हुआ करके। तो यार ऐसा नहीं बोलना चाहिए ना, ये तो असमिया नहीं है। हाँ तो जहाँ के भी है हमको नहीं पता अंकल, हम तो अच्छे कर्म कर रहे हैं ना, हम तो किसी का बोला तुम उत्तराखंड को बर्बाद कर दिया, अब आसाम को भी और बर्बाद मत करना बोल दिया, ऐसा बोल दिया। क्या क्या बर्बाद किया हमने बताओ ना अंकल जी, हम यहाँ लड़ाई करने के लिए नहीं आए भैया, हम लड़ाई करने नहीं आए। ठीक है तुम क्या बोलना वाला है हमारे सामने बोलो। हाँ बोलोगे अब, मैंने क्या बोला बताओ। हाँ बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो इस टाइम पे मैं हूँ इस भाई के पास, जो कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा होगा भाई को। तो अभी मैं जा रहा हूँ इसके रूम से, तो मेरे को निकलना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप लोगों को पता है मेरे फिर उसके बाद थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होने लगती है ना, तो अगर रुक गया तो इसीलिए मेरे को यहाँ से निकलना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग वीडियो के बने रहो वीडियो की ओर, और मैं निकलता हूँ आगे की ओर, ठीक है। तो आज मेरे कल रात भर सोया नहीं, तो आँख में पेन कर रहा है, तो इसीलिए मेरा आज 3 के 3 ब्लॉग अपलोड हो चुके हैं। तो बहुत मजाक खुशी भी हो रही है यार, क्योंकि आज 3 ब्लॉग पे अपलोड हो चुके हैं मेरे, जो कि मेरे को रोज़ दिक्कत होती थी, अब रोज़ का टेंशन रहेगा, एक ही ब्लॉग है करके, जो कि सुबह बनाऊंगा तो शाम को ब्लॉग अपलोड करना है करके दिक्कत रहेगा। तो ये हमारे यहाँ के जो स्टोर में है, स्टोर से निकाल रहे हैं ये मंदिर पूछ। तो मैं इस भाई से मिल के बहुत अच्छा लगा, जो कि भाई ने बहुत हेल्प की, बोले आसाम में अगर कोई दिक्कत होगी तो कॉल करना, तो वो भी ब्लॉगर हैं, तो मेरे को बोल रहे थे आज GoPro नहीं लाया तो फ़ोन से बनाते हैं। तो क्लिप चलो कोई बात नहीं, जो सपोर्ट में खड़े हैं तो उन लोगों का दिल से धन्यवाद, और जो मेरे साथ बने हैं उन लोगों का भी, और जो इतना प्यार दे रहे हैं उनका भी। चलो मीर मिलते हैं, ठीक है आगे आगे, और मैं ऐसी लोकेशन पर पहुंचा, ब्रिज से जा रहा हूं, ठीक है। तो भाई जी इस ब्रिज में पहुंचा हूं मैं, जो कि ब्रिज पार होते हुए मैं कामाख्या देवी मंदिर से होते हुए और ब्रह्मपुत्र नदी होते हुए निकलूँगा मैं। तो अभी आगे जाके पूछते हैं किसी से ब्रह्मपुत्र नदी वाला रास्ता कहाँ से है, तो बता देंगे। वैसे मैप में भी ढूंढ सकता हूँ मैं, बट थोड़ा बहुत चार्ज की प्रॉब्लम है ना, तो इसीलिए ठीक है। तो गाइस फिलहाल मैं रास्ता भूल गया था, ठीक है, जो रास्ता था तो मैं उल्टा चला गया था, आगे चला गया था, कम से कम 4-5 किलोमीटर आगे चला गया था। फिर उसके बाद बैक आया, फिर मैंने अरविंद भाई को कॉल किया, मैंने कहा कौन से रास्ते से घूम गए थे और कौन से रास्ते से आए, फिर उन्होंने रास्ता बताया, मैप भेजा मेरे को, तो उसी मैप के द्वारा मैं अभी चल रहा हूँ, जो कि नौगांव निकलना है मेरे को। तो ये भाई ने भी मेरी हेल्प की, जो कि ये भी कम से कम 2-3 किलोमीटर से मेरे साथ चल रहा है, तो इसने भी मेरे को सीधा, अब जो यहाँ से मैं नौगांव निकल सकूँ सीधा रास्ता, तो वो रास्ते में ये भी लेके आया। अभी जाएगा कॉलेज, जा रहा था भाई, तो कॉलेज की ओर निकलेगा ये और मैं जाऊँगा। निकले हम जस्ट ब्रिज से पहुँचने के बाद, ये भाई जाएगा यहाँ वाले रास्ते से, तो हम मैं निकलूँगा आगे की ओर, बने रहो वीडियो के एंड तक, ठीक है। तो मिलते हैं भाई, अच्छा लगा आपसे मिलकर। अच्छा लगा मिल के भाई। हाँ। मैं सबको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जहाँ भी ये मिले कुंदन भाई इज ग्रेट, मुझे बहुत अच्छा लगा, इसका हेल्प करिएगा जरूर अगर ये भूलता है तो, और मुझे बहुत अच्छा लगा इससे मिलकर भाई। वीडियो थोड़ी शेयर कर देना, ताकि हमको भी लगे कि हाँ भाई हमारे साथ इतने लोग जुड़े हैं, जो कि हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को आगे तक बढ़ा सके, जो कि हमको भी अच्छा लगेगा कि हम भाई ये कर सकें, ठीक है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जरूर जरूर बोलोगे। अब मैंने क्या बोला बताओ। हाँ बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं, बोलो। हाँ बोलो भाई, हमने कुछ गलत बोला? मैंने कुछ बोला अंकल जी? हमने कुछ नहीं बोला। हाँ कुछ नहीं बोला हम अंकल जी, हम यहाँ लड़ाई करने के लिए नहीं आए भैया, हम लड़ाई करने नहीं आए। ठीक है तुम क्या बोलने वाला है हमारे सामने बोलो। हाँ ये बताओ अंकल जी, नहीं हम जब भी चलते हैं ना, हम घर से बाहर निकलते हैं ना, सब उत्तराखंड, तुम क्या क्यों आया है ये पूछा है? पूछा नहीं, मेरे को पूछा ही नहीं, बोला तुम उत्तराखंड को बर्बाद कर दिया, अब आसाम को भी और बर्बाद मत करना बोल दिया, ऐसा बोल दिया। क्या क्या बर्बाद किया हमने बताओ ना, ऐसा थोड़े ना होता है यार कुछ भी। तो ये बताओ बाढ़ आया केदारनाथ में मंदिर गया, मंदिर डूबा, केदारनाथ मंदिर डूबा, हम चलते हैं ना आज भी देवताओं के भरोसे चलते हैं, ऐसा नहीं कि हम अपने भरोसे चलते हैं। हाँ यहाँ कुछ भी बोल दोगे तुम। मेरा नाम कुंदन है, ये लिखा है बोर्ड में भी। अंकल जी ऐसा नहीं बोलना चाहिए ना, हम तो सीधे सरकारी बोर्ड नहीं है,
अरे सरकार बोल रही है क्या हुआ, क्या हुआ? अपने देश घूमने के लिए पैसे नहीं लगते हैं, ठीक है? अपने देश घूमने के लिए कुछ भी नहीं लगता है। अपने देश तो घूम रहे, किसी बाहर कंट्री घूम तो नहीं घूम रहे ना? ये तो असमिया नहीं है। हाँ, तो जहाँ के भी है हमको नहीं पता अंकल। हम तो अच्छे कर्म कर रहे हैं ना। हम तो किसी का चोरी डकैती करके तो नहीं खा रहे ना। हम तो अच्छे काम करके खा रहे ना। हाँ, ऐसे थोड़ी ना होता है यार, कुछ भी बोल दोगे। भाई ये बता, मैंने कुछ बोला क्या? हमने कुछ बोला? देखो ये, देखो ये, ऐसे लोग ना, ऐसे लोग राज में बहुत मिलते रहते हैं अंकल। कहीं का भी हो हमको नहीं पता। हम तो हमने कुछ तो नहीं बोला ना। आपने सुना होगा, बोला सीधे है तुमने उत्तराखंड को बर्बाद कर दिया, सीधा ये आसाम को बर्बाद। हमने क्या किया? कुछ गलत कहा क्या? वही तो हमने, हम तो जो करने वाला है वो करेगा। तो गाइस बताओ यार कमेंट में, हमने कुछ गलत किया क्या? क्या कहते वो तो सीधे बोलने लगा कि उत्तराखंड को बर्बाद कर दिया तो आप लोग आसाम को बर्बाद करोगे क्या? हमने कुछ किया क्या? हम तो सीधे भाई से पूछ सकते हो, हमने कुछ कहा क्या भाई? हमने कुछ कहा? हाँ, हम तो सीधा जा रहे थे ना। भाई ने मेरे को हेलमेट दिया था, बोला मैं आगे तक छोड़ दूंगा। इन्होंने खुद बोला मेरे को, यहाँ पे आके खुद बोला। चलो हमने कहा कहीं आगे तक खुद तो आता है। हाँ, ये यहीं के हैं, बट मैं पैदल चल रहा हूँ। अच्छा, हाँ, मेरे को बस ऐसे नहीं करना चाहिए ना। चाहे हम तो अच्छे आदमी, चलो इसके साथ अच्छू के साथ भी पूरे भिड़ जाते ना। ये कहाँ पे है मैं भी? ये खाना पाड़ा, जो कि मैं भाई ने मेरे को मैप भेजा था, उसी मैप के द्वारा खाना पाड़ा हाईवे मार जो कि अरुणाचल जाएगा। तो भाई ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प किया यार। भाई कोई बात नहीं, ऐसे लोग तो रास्ते में मिलते रहते हैं यार। ऐसे लोगों से लड़ने का नहीं और ज़्यादा फालतू नहीं बोलने का, निकल जाने का वहाँ से। लेकिन यार मेरे को थैंक यू भाई, बट ऐसे लोग यार एकदम से तुरंत बोला ना, मेरा गुस्सा आ गया यार। ऐसे मेरे को गुस्सा नहीं आता, पता है? कोई कुछ भी बोलता ना, मेरा बोर्ड तोड़ा, मैं बिहार से साइड हो गया। मैं कुछ भी नहीं बोला भाई, एकदम से उसने सीधे ये बोला, मेरे माइंड में घुस गया वो बात। मैंने कहा भाई ऐसा क्यों? गाइस देख लो भाई क्या कहते हैं, आसाम के लोग, आसाम का नहीं था ना वो, वो बंदा आसाम का नहीं था, बट अब जहाँ का भी था, बट वो आसाम में उसने मेरे से क्या बोला, उत्तराखंड तो बर्बाद कर दिया बट आसाम को बर्बाद मत करना, ऐसा बोला उसने। और केदारनाथ में जो आसाम, ये उत्तराखंड में बाढ़ क्यों आ रहा है करके भाई से पूछ रहा था, पता है? ऐसे लोग हैं आप, इधर बताओ। उस बंदे तक ये वीडियो पहुंचाओ ताकि उस बंदे को भी लगे, उस बंदे को पता लगना चाहिए ना कौन था वो करके। वो आसाम का नहीं है, पता नहीं कहाँ का है। तो चलो कोई बात नहीं, भाई से मिलके बहुत अच्छा लगा। भाई ने बहुत ज़्यादा हेल्प की। भाई ने ही बोला था मेरे को क्या कहते, चलो मैं छोड़ दूंगा। हाँ, मैंने कहा ठीक है, उसने तुरंत इतना ही बोल दिया। चलो ओके, थैंक यू, मिलते हैं फिर भाई अगली बार जब आएंगे। तो यार मेरा एक बोर्ड भी तोड़ दिया यार, जो कि मैंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करके हमारा जो मिशन है, तो उसी के लिए वो बोर्ड टूट गया। चलो मैं तो रिटर्न इसी रोड से होगा फिर? रिटर्न नहीं यार, मुंबई से होगा यार। हाँ, ये कर्नाटका मुंबई से होते हुए वापस ही यहाँ से नहीं होगा यार, कर्नाटक पहुँचने मेरे को कैसे? मैं मैप द्वारा से ले जाऊँगा कोई दिक्कत। चल भाई ठीक है, अच्छा लगा। और थैंक यू भाई। गाइस निकलते हैं अब आगे की ओर। और तो ऐसे लोग तो मिलते रहते हैं यार, छोड़ो ऐसे लोगों से तो कुछ कंट्रोवर्सी हो गई थी, आपने भी सुना होगा क्या क्या हुआ करके। तो यार ऐसा नहीं बोलना चाहिए ना। मेरे को पता है गुस्सा वैसे नहीं आता है, बहुत कम गुस्सा आता, बट मेरे को गुस्सा आता भी है ना, मैं साइड हो जाता हूँ। बट मेरे को अभी पता नहीं क्या हो गया, तो धूप से मेरा सुबह सुबह मैप की वजह से उल्टा रास्ता ख़राब गया था, वो सीधा बोलने लगा, गुस्सा आ गया मेरे को। मैंने बोला चल कोई बात नहीं। तो भाई फिलहाल अभी मैं जो हाईवे है अरुणाचल के लिए, तो जो कि गुई गांव पड़ता है, तो गुई गांव में पहुंच चुका हूं। गुई गांव से ऊपर को जंगल की ओर, जंगल से रास्ता जा रहा है, तो उसी रास्ते में मैं पहुंच चुका हूं। ये रास्ता है, देख सकते हैं ये रोड है जो कि जा रहा है ऊपर को। तो मैं यहाँ पे ठंडी हवा ले रहा हूँ, यहाँ से नीचे को कुछ नज़ारों के साथ मैं ठंडी हवा ले रहा हूँ जो कि पहाड़ों के बीच में। तो मार्केट से तो बाहर निकल गया, बड़े मुश्किल से निकला भाई, क्या ही बताऊँ। आर्मी वाले आ रहे हैं, ठीक है, आप लोग बने रहो वीडियो के एंड तक।
फैसले के आर्मी वाले। तो गाइस फिलहाल अंधेरा होने का टाइम हो चुका है, तो उससे पहले मेरे को कैंपिंग लगाना पड़ता है, आप लोगों को पता है। तो मैं अब कैंपिंग की जगह ढूंढ रहा हूँ। तो एक भाई मिला था, उससे बात की मैंने, तो वो बोल रहा है सामने में पेट्रोल पंप है, वहाँ पे लगा सकते हो आप। तो मैं वहीं की ओर बढ़ रहा हूँ और वहाँ पे कैंपिंग लगा दे एक बार। वैज मैं कैंपिंग लगाने के लिए सोच रहा था, बट भैया से पूछा मैंने कि भाई यहाँ पे कहीं आसपास में कैंपिंग लगा सकते हैं, तो इन्होंने बोला 5 किलोमीटर तक कोई घर नहीं है, बट यहाँ एलिफेंट एरिया है ना, जंगल है, बहुत बड़ा जंगल है, तो इसीलिए भाई बोल रहे थे। अभी फिर वापस आए भाई, यहाँ पे बोले आर्मी कैंप है, आप वहाँ पे जा सकते हो। तो भाई ने फिर उसके बाद घर पे पता किया शायद, फिर भाई मेरे को घर पे लेके जा रहे हो अपने, मेरे को लेने के लिए यहाँ आर्मी कैंप पे आए थे। तो भाई का बहुत बहुत धन्यवाद असम की। तो गाइस फिलहाल अभी हम लोग कमरे में पहुँच चुके हैं भैया के साथ। तो भैया ने यहाँ बनाए थे और चिकन को पहले आग जलाया और चिकन उसके ऊपर रखा और उसको फिर उसको एकदम पकाने के बाद फिर उसको एकदम छील के अलग अलग उसको छोटे छोटे टुकड़े करके हाथ से छील के उसके बाद उसमें नींबू हो गया और नमक हो गया, एकदम मिर्ची डाल के, एकदम हरा मिर्ची डाल के बहुत मस्त बनाया, इतना स्पाइसी बनाया था ना, एकदम मज़ा आएगा। नींद लग रही थी मेरे को अभी तक, तो अब नींद भी भाग गई पता है, अब मेरी ब्लॉग एडिट हो जाएगी अभी। और तो भैया यहीं पर रहे, सामने में है भैया। और तो बहुत अच्छा लगा भैया आपके घर में आने के बाद, बहुत रिस्पेक्ट दी। तो मिलते हैं फिर अभी जैसे खाना खाते हैं अभी। तो गाइस हमारा रात का खाना आ चुका है। ये क्या है भैया, ये क्या बना रखे हैं? किस चीज़ के? प्याज का, प्याज के पकौड़े हैं। और ये हमारे लिए पनीर और उसकी सब्जी है और ये राइस है, बट इतना राइस कौन खाएगा भैया ये। तो चलो जैसा भी है, बहुत अच्छा लगा। और खाना ना खाते एक बार, उसके बाद फिर मिलते हैं आप लोगों को, क्योंकि